ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଦର ନମସ୍କାର। मित्रों, यह धरती वीरता की धरती है, यह शौर्य की धरती है, यह साहस की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह पवित्र धरती है। ऐसी धरती से प्रेरणा लेकर आज जब हम लोग यहां पर मोर्चों के सभी जिला कार्यकारिणी उपस्थित है, तो मैं नवरात्रों के पवित्र समय में आप सबसे आह्वान करता हूं कि चलो हम निकल चलें और उड़ीसा में भी अब कमल खिलाएं, कमल खिलाएं, कमल खिलाएं। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा का गौरव, उड़ीसा का मान, उड़ीसा का सम्मान, इसको हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि पहली महिला आदिवासी भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को मिला है। यह उड़ीसा के लिए विशेष सम्मान, यह हमारे ट्राइबल भाई बहनों के लिए, 8 करोड़ बहनों भाइयों के लिए, देश की अस्मिता के लिए जो लगे रहे हैं उनके लिए एक विशेष सम्मान है। और मैं अगर बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में जो पद्मश्री, पद्मभूषण गौरवान्वित करने के लिए कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में, साहित्य के जगत में जिस तरीके से यहां के आदिवासी भाइयों तक पद्मश्री देकर के सम्मानित किया है, यह प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के गौरव का सम्मान किया है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं, 40 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आज हमको गौरव प्राप्त होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रख करके आगे बढ़े। ये 40 साल में हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, कितनी सफलताएं देखी, कितनी विफलताएं देखी, लेकिन आज ये हम सबको गौरव है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 18 करोड़ की पार्टी है, इस बात का भी हमको सौभाग्य मिलता है।